अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लेसन नंबर 4 के पार्ट 1 में मैंने आपको ऑटोकैड ड्रा टूल बार के कुछ कमांड्स के बारे में बताया था। आज पार्ट 2 में मैं आपको सर्कल कमांड के बारे में बताऊंगा कि सर्कल कमांड हम लोग ऑटोकैड में किस तरह यूज़ करते हैं। चलिए अपना ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर खोलते हैं। सर्कल जो है उसके लिए जो कमांड यूज़ होता है वो है सी कमांड, सर्कल। अपने कीबोर्ड से टाइप करो, एंटर करो और सर्कल आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप लोग ड्रॉ टूल बार में देख सकते हो कि हमारे पास सर्कल में 6 टाइप्स की सर्कल है जो कि हम लोग बना सकते हैं। सेंटर विद रेडियस, सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 10 10 रेडियस, 10 10 10। चलिए बढ़ते हैं। पहले हम लोग सेंटर रेडियस सर्कल बनाते हैं। मैंने ये सेलेक्ट किया, अभी मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ अपना सेंटर पॉइंट सर्कल का। तो मैं जब स्पेसिफाई करूँगा सेंटर पॉइंट, इसको मैं स्पेसिफाई करता हूँ और फिर रेडियस देता हूँ सपोज 10। तो ये मेरे पास सर्कल बन जाएगा। फिर हम लोग या तो सेंटर डायमीटर यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, या इसी सेंटर रेडियस में जब आप लोग क्लिक करोगे और सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा आइदर कि आप स्पेसिफाई रेडियस ऑफ द सर्कल और डायमीटर। तो मैं डायमीटर वाला बनाना चाहता हूँ सर्कल, तो डी प्रेस करूँगा क्योंकि ये ब्लू में जो आपको बता रहा है ये आपका कमांड के लिए ये आपको बताता है। तो डी आप प्रेस करो, इंटर करो, अभी आप डायमीटर दे दो। तो मैं डायमीटर 10 इंच का देता हूँ तो ये मेरे पास सर्कल बन के आ जाएगा। फिर आपके पास यहाँ पे है 2 पॉइंट सर्कल, इसको सेलेक्ट करें। 2 पॉइंट का आपको मतलब पता ही है कि 2 पॉइंट हम लोगों ने सेलेक्ट करने हैं तो हमारे पास सर्कल बन जाएगा। तो मैं फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, सेकंड पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास ये सर्कल बन जाएगा। इस तरह आप लोगों के पास इधर है 3 पॉइंट, इसको सेलेक्ट करो, मतलब 3 पॉइंट हम लोगों ने सेलेक्ट करने हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और फिर इस तरह थर्ड पॉइंट, तो आपके पास 3 पॉइंट सर्कल भी बन के आ जाएगा। फिर ये है 10 10 रेडियस सर्कल, ये किस तरह बनाना है 10 10 रेडियस। जब आपके पास 2 सर्कल हो, सपोज ये एक सर्कल हो गया, ये दूसरा सर्कल हो गया, इस तरह 2 सर्कल आपके पास अगर हो ड्राइंग में, तो इन 2 सर्कल के दरमियान आप लोगों ने जो सर्कल ड्रॉ करना है उसके लिए कौन सा कमांड है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। 10 10 रेडियस मतलब टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, इसको सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे इस सर्कल पे कोई सा भी पॉइंट आप ले लो, सपोज मैंने ये पॉइंट ले लिया, यहाँ पे इस सर्कल पे मैंने ये टेंजेंट पॉइंट ले लिया, फिर मैंने सर्कल का रेडियस स्पेसिफाई करना है। यहाँ आप लोग दे सकते हो स्पेसिफाई रेडियस ऑफ द सर्कल, तो आप लोग रेडियस दे दो 10 इंच, 10 इंच दोगे। दोबारा करते हैं 10 10 रेडियस, ये पॉइंट स्पेसिफाई किया मैंने, ये पॉइंट स्पेसिफाई किया और रेडियस ऑफ द सर्कल दे दिया, सपोज मैंने दे दिया 20 इंच। तो ये आपके पास सर्कल क्रिएट होके आ जाएगा 2 टेंजेंट पॉइंट के दरमियान, यानी 2 सर्कल के दरमियान आपके पास एक सर्कल बन के आ जाएगा। फिर हमारे पास आता है 10 10 10। 10 10 10 का क्या मतलब है कि 3 टेंजेंट पॉइंट, यानी 3 सर्कल हमारे पास हो तो उनके दरमियान हम लोगों ने कैसे अपने सर्कल को ड्रॉ करना है। तो एक सर्कल आप लोग इधर ड्रॉ करो, एक इधर ड्रॉ करो, सपोज एक इधर ड्रॉ करो, ये मेरे पास 3 सर्कल हो गए। अब मैंने 3 सर्कल के दरमियान एक सर्कल ड्रा करना है तो मैं 10 10 10 ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा।
एक टेंजेंट पॉइंट में यहाँ लूँगा, एक यहाँ लूँगा, एक यहाँ लूँगा, तो मेरे पास सर्कल क्रिएट होके आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को सर्कल कमांड समझ में आ गया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि आप लोगों को हर आने वाली नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिले और आप लोग देख सको। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आर्क के बारे में बताऊंगा, पार्ट थ्री। इस लेसन का जो पार्ट थ्री है ड्रा टूल बार का, उसमें मैं आर्क के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।